दोस्तों आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी दूर तक ये जा रही है इसका स्प्रे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टूल्स विलय के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HTP पंप, इसे HTP स्प्रेयर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप इस HTP पंप का प्रयोग खेतों में स्प्रे करने एवं कार बाइक को धोने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास तीन अलग अलग HTP पंप हैं। पहला जो आप देख रहे हैं ये आपका HTP का 22 मॉडल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका HTP का 30 मॉडल है, और ये आपका HTP का 45 मॉडल है। ये तीनों मशीन बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों HTP पंप में आपको कौन कौन से चीज या फिर कौन कौन से फीचर्स आपको सेम दिखने वाले हैं। पहला जो है इन तीनों HTP पंप जो कि 3 पिस्टन के साथ आती है। दूसरा, इसका RPM 800 से 1200 के बीच होता है। तीसरा, अगर हम बात करें तो इसका सक्शन और ओवरफ्लो पाइप जो है, मतलब जिससे आप पानी खींचेंगे और एक्स्ट्रा पानी को फेंकेंगे, उसकी लंबाई 5 से 7 फीट तक होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर फिल्टर है, मतलब जब आप सक्शन करेंगे पानी को तो उसके दूसरे छोर में आप इसको फिट करेंगे ताकि कोई गंदगी मशीन तक ना पहुँचे। और ये है आपका टूल किट। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों HTP पंप में क्या फ़र्क है, मतलब कौन कौन से फीचर्स आपको अलग दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस HTP नंबर 22 मॉडल के साथ। तो दोस्तों अगर हम इस HTP 22 नंबर के मॉडल के बारे में बात करें तो इसके साथ आपको 6 इंच का पुली मिलता है, जो कि आप नॉर्मली 2 HP मोटर या फिर 5 से 5.5 HP इंजन को फिट करके आप आसानी से चला सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल साबित होती है इस मशीन के लिए। अगर हम इसके सक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी सक्शन कैपेसिटी 10 से 12 फीट होती है, मतलब आप 10 से 12 फीट गहराई तक पानी को खींच सकते हैं, और 22 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के साथ यह मशीन स्प्रे कर सकती है। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस HTP 30 और HTP 45 मॉडल के बारे में। जैसा कि हम आपको बता दें इसका पुली दोनों का सेम होता है, जो कि 8 इंच का होता है। नॉर्मली आप इस HTP 30 में 3 HP का मोटर और 6 से 6.5 HP का इंजन लगाकर चला सकते हैं दोनों में, HTP 30 और HTP 45 में। अगर हम इस HTP 30 का सक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी सक्शन कैपेसिटी 12 से 15 फीट तक होती है, और 30 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से यह पानी को स्प्रे कर सकती है। अगर हम इसको 45 मॉडल के सक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसकी सक्शन कैपेसिटी 15 से 18 फीट तक होती है, मतलब 15 से 18 फीट तक पानी को ये खींच पाएगी और 45 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से यह पानी को स्प्रे कर सकेगी। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस HTP पंप सेट का फिटिंग, यानी कि इसको फिट कैसे करें, और मशीन का वर्क, जिसमें हमारे साथ देने वाले हैं हमारे टेक्नीशियन सत्येंद्र जी। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस सेक्शन पाइप है, जो कि हम यहाँ पर इसको टाइट करेंगे। टाइट करने से पहले हमें थ्रेड टेप लगाना होगा। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई पानी लीक ना करे। अब हम सेक्शन पाइप को टाइट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वाटर फिल्टर है, जो कि कचरा मशीन के अंदर ना है, इसके लिए इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। ये जो पाइप है ये ओवरफ्लो के लिए है, जो कि यहाँ से कंटिन्यू ओवरफ्लो पाइप पानी निकलता ही रहेगा। इसे भी हम टाइट कर लिया है। तो अब हम डिलीवरी पाइप लगाएंगे, जो कि जिससे हम गाड़ी धुलाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नोजल दिया हुआ है, तो हम इसमें एक में ही फिट करेंगे। पहले क्लैंप डाल लेंगे। अब जिससे क्लीन करेंगे वो गन लगाएंगे। इसको टाइट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर से पाइप खुल सकता है, इसलिए अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये प्रेशर हाई और लो करने के लिए है। यहाँ पे मार्का भी आपको मिल जाएगा। टाइट जितना करेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और लूज करने से प्रेशर कमेगा। ये जो लीवर है, ये लीवर जब मशीन चलेगा तो ये नीचे तरफ रहेगा, ऊपर करने से आपका प्रेशर नहीं जाएगा, तो हमेशा ये नीचे ही रहेगा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रीस कैप लगे हुए हैं, जो कि इसके अंदर ग्रीस भर के
इससे टाइट करना है। जब भी आप मशीन चालू करें हल्का टाइट करके ही चालू करें, क्योंकि यहाँ पे 3 पिस्टन लगे हुए हैं, तो हर पिस्टन के लिए 3 पिस्टन है, 3 ग्रीस कैप है, जो कि यहाँ पे टाइट करेंगे ग्रीस पुश होके पिस्टन तक जाता है। ये जो देख रहे हैं आपका मोबिल चैम्बर है, मोबिल कैसे चेक करना है वो भी आपको बता देंगे। ठीक पीछे तरफ यहाँ पे मार्का भी दिया हुआ है और यहाँ पे कांच लगा हुआ है, इसका मिडिल में ही रखना है मोबिल को। और ये जो नट देख रहे हैं ये ड्रेन नट है, जैसे मोबिल आपको निकालना हो तो यहाँ से आप मोबिल को ड्रेन कर सकते हैं। ये जो मीटर देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे उससे मीटर शो करेगा, तो ध्यान में रखें कि रेड तक मीटर ना जाए, ग्रीन तक ही रहे। यदि और ज़्यादा कुछ प्रेशर चाहिए आप तो येलो तक, जो येलो कलर का है 60 तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो देख रहे हैं एयर फिल्टर है, और ये जो दो आपको बताया हमने फिटिंग के समय में कि दो आउटपुट बल्ब है, तो ये दो आउटपुट बल्ब है, इसमें आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों यूज करने से जो नॉर्मली आपका प्रेशर है उससे कम हो जाएगा, तो इसीलिए एक यूज करते हैं बहुत लोग, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा HTP पंप सेट फिटिंग करके रेडी है। अब हम इसका वर्किंग दिखाएंगे। पहले सक्शन पाइप को बाल्टी में डाल दें, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाला हुआ है सक्शन पाइप। अब हम मशीन को स्टार्ट करने वाले हैं। देख सकते हैं मशीन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी दूर तक ये जा रही है इसका स्प्रे। सतिंदर जी हमें ये बताइए कि हॉरिजॉन्टली इसका स्प्रे कितना फीट तक होता है लगभग? देखिए जी, हम जहाँ खड़ा है यहाँ से आपका 35 से 40 फुट होगा हॉरिजॉन्टली। 35 से 40 फुट ये स्प्रे इसका दूरी हो सकता है ना? हाँ, बहुत ही आसानी से। जैसा कि देख सकते हैं अब हम इसको वर्टिकली देख रहे हैं कि इसका कितना दूर तक जाती है ये स्प्रे। सुंदर जी इसका कितने फुट तक ये जा सकती है इसका स्प्रे वर्टिकल? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3 मंजिल तक जा रहा है, करीब 30-35 फुट है। 30-35 फुट लगभग तो है ही। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने HTP पंप को चलाकर दिखाया आपके लिए। आप इस HTP पंप का प्रयोग अपने खेतों में कीटाणुनाशक दवा के छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास कार या फिर बाइक है और उसके लिए आपको बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है कार वॉशिंग के लिए, तो उसके जगह पर आप इस HTP पंप का प्रयोग करके अपने कार या फिर बाइक को आसानी से धो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गौशाला है, वहाँ अगर आपको साफ़ करने में दिक्कत होती है या फिर आपको गाय को नहलानी है, तो वहाँ भी आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मशीन से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मशीन की जानकारी के साथ।